हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आवर टुडेज चैप्टर इज चैप्टर 4। वी विल स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मींस नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन क्लास थ्री हमने क्लास थ्री में पढ़ा था इसके बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्लास थ्री में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ओके, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और इस क्लास में, क्लास फोर में, हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, रेस्पिरेटरी के बारे में और सर्कुलेटरी के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our body is an amazing machine that performs various activities like eating, running, walking, crying, playing and many more. ठीक है, हमारी बॉडी जो है कि एक मशीन की तरह है। ठीक है, एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है जो कि हमारी डिफरेंट काम, जिससे हम डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम खाते हैं, ईटिंग, दौड़ते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, एक अमेजिंग मशीन है। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स नोन एज ऑर्गन्स। तो जिस तरीके से मशीन्स बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई होती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, ईच पार्ट ऑफ आर बॉडी परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शन। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो एक खास फंक्शन करता है, खास काम करता है। ठीक है, दे वर्क व्हेन वी अवेक एंड आल्सो वर्क व्हेन वी स्लीप। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जब हम जाग रहे होते हैं वो तब भी काम करते हैं, और जब सो रहे होते हैं तब भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सो गए हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारा बॉडी कोई काम नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑर्गन्स कोई काम नहीं करता है। ठीक है, हमारी सिर्फ बॉडी सो रही होती है, ऑर्गन्स काम करते रहते हैं। ओके, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी होता है वो किससे बना होता है, सेल्स से बना होता है। ठीक है, अब सेल्स क्या है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी। सेल्स क्या है, वो हमारे बॉडी के स्मॉलेस्ट पार्ट्स हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, सिमिलर सेल्स इन आर बॉडी मेकअप टिश्यूज। ठीक है, सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो मिल करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, पहले होता है सेल, देन फिर होता है जो डिफरेंट सेल्स मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यू। ठीक है, एज यू सी इन द इमेज। ठीक है, देयर इज द एग्जांपल ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, हार्ट के लिए जो होता है कार्डियक मसल। डिफरेंट टिश्यूज मेक अप द ऑर्गन। अब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलकर के क्या बनते हैं, एक ऑर्गन बन जाते हैं। ठीक है, और एक ऑर्गन से डिफरेंट तरीके के ऑर्गन मिलकर के क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, देयर इज द एग्जांपल ऑफ कार्डियक मसल सेल। ठीक है, ये कार्डियक मसल मीन्स हार्ट के सेल्स के बारे में बात है। ठीक है, कार्डियक मतलब इट इज रिलेटेड टू हार्ट। और क्या है, फिर टिश्यू है, इसमें कार्डियक मसल्स के बारे में बात हो रही है। देन ऑर्गन क्या बन गया, इन सबको मिलाकर के हार्ट बन गया। ठीक है, और हार्ट से क्या बना, कौन सा ऑर्गन सिस्टम बना, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ फर्स्टली वी विल सी द नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है नर्व्स का। ठीक है, डिफरेंट तरीके के नर्व्स हैं। ठीक है, दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, ये सिग्नल पहुंचाने का काम करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब नर्व्स के अंदर क्या क्या आते हैं, नर्व्स के अंदर आते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या आते हैं, सॉरी नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, इट इज आते हैं ब्रेन यानी कि दिमाग, ओके, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, एंड नर्व्स। ओके, ये हो गए नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। ठीक है, ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है ब्रेन। ठीक है, दिमाग कैसे देखते हैं, हाउ नर्वस सिस्टम वर्क्स। ओके, ब्रेन मेन ऑर्गन है तो कैसे है, हाउ नर्वस सिस्टम वर्क्स। द ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है,
It controls all the organs by sending and receiving information from all parts of the body. Brain क्या करता है? वो other organs को control करता है. कैसे करता है? Signals, वहां से information या signals जो होते हैं उनको भेजता है और रिसीव करता है. ठीक है, दिमाग क्या काम करता है? सिग्नल भेजने और रिसीव करने का काम करता है ऑर्गन्स के बीच. ओके, द ब्रेन नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन. अब नर्व्स क्या करते हैं? वो करते हैं कि वो मैसेज हमारे बॉडी ऑर्गन से वो मैसेज ले लेते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ठीक है, द ब्रेन रिसीव्स दीज मैसेजेस. ब्रेन क्या करता है? इन मैसेजेस को रिसीव करता है. ओके, एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर एक्शन. ठीक है, मैसेज रिसीव करके वो उनको एक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ भाई ये काम आपने करना है, इस ऑर्गन को, इस बॉडी पार्ट को ये काम करना है. ठीक है, सपोज आपने एक पेड़ देखा. ठीक है, हमारी आईज ने पेड़ देखा. अब उसने क्या किया? उसने सिग्नल पहुंचा दिया ब्रेन को. ठीक है, ब्रेन को मैसेज रिसीव हो गया और ब्रेन ने इन चेंज दिया कि भाई ये एक ट्री है. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन मिल गया आई को कि भाई ये एक ट्री है, ये एक पेड़ है. ठीक है, तो ये हो गया मैसेज सेंडिंग एंड रिसीविंग. इस तरीके से होता है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर. ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर. स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. जो बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये वाला जो कॉर्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करता है? ब्रेन और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है. ओके, एज यू कैन सी इन द इमेज, स्पाइनल कॉर्ड से सारे नर्व्स कनेक्टेड हैं. ठीक है, दिख रहा है आपको? नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू थिंक, एक्ट एंड लर्न. नर्वस सिस्टम तो क्या करता है? वो हमें सोचने में, किसी काम को करने में, किसी चीज को सीखने में हेल्प करता है. ओके, हियर इज अ क्विक वीडियो ऑफ नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रेन से जो होता है वो सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गया. ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? इन ऑर्डर टू लिव, वी ह्यूमन बींग्स ब्रीद कॉन्स्टेंटली. जीने के लिए हम क्या कहते हैं? हम सांस लेते रहते हैं लगातार. ठीक है, इट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हेल्प अस इन ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही वो चीज है जो कि हम लोग को सांस लेने में हेल्प करता है. ओके, अब नर्वस सिस्टम के तरह ही इसके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से हैं? इट कंसिस्ट ऑफ नोज, वेंट पाइप एंड द लंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आ गए? आपके हो गए नोज आ गए यानी नाक आपकी, विंड पाइप यानी कि जो एयर को लंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है. ठीक है, विंड पाइप इधर, दिस इज विंड पाइप, दिस इज नोज. ओके, दिस इज नोज, दिस इज विंड पाइप. ओके, एंड लंग्स. ओके, दीज आर लंग्स. ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के. अंडरस्टूड? अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर एंड देन एक्सपेल इट आउट फ्रॉम द बॉडी. ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम हवा को अपने अंदर खींचते हैं, टेक इन, हवा को अपने अंदर लेते हैं और क्या करते हैं? एक्सपेल इट आउट, उसे बाहर, हमारी बॉडी से बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है, हवा को हम नाक के थ्रू अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर छोड़ देते हैं नोज के थ्रू. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. अब ब्रीदिंग के कितने फेजेस है? टू फेजेस है. ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके, कितने फेज है? टू फेज है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर. इनहेलेशन मतलब क्या हुआ? जब हम सांस खींचते हैं तो ये हो गया आपका इनहेलेशन. ओके, द फर्स्ट इमेज इज ऑफ इनहेलेशन. ओके, द गाय इज इनहेलिंग द एयर. वो क्या करें? सांस को अंदर की ओर ले रहे हैं. Exhalation is the process in which we breathe out air. Okay, the second image is of exhalation, जिसमें हवा बाहर की ओर जा रही है. Okay, this arrow इधर बना हुआ है. ठीक है, हवा बाहर छूट रही है और इसमें arrow अंदर की ओर, इसका मतलब
हवा अंदर लिया जा रहा है. ओके तो इसमें क्या होता है, यू कैन सी इन द इमेज कि जब आप सांस लेते हो तो आपका लंग्स जो होता है वो फूल जाता है. ठीक है, जब आप अपने चेस्ट पे हाथ रखोगे और एक गहरी सांस लो. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट एंड टेक अ डीप ब्रेथ. ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट योर लंग्स इज गेटिंग, योर चेस्ट इज गेटिंग इंक्रीज. ठीक है, आप देखोगे कि आपकी जो चेस्ट है वो फूल गई है. ठीक है, और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपको क्या लगेगा, चेस्ट आपका कम हो गया. ठीक है, वो फूला नहीं, वो पिचक गया. तो ये होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस जिसमें लंग्स इस तरीके से काम करता है. ठीक है, इसमें क्या किया, लंग्स फैल गया और एक्सहेलेशन में लंग्स कम हो गया. ठीक है, यू विल टेक अ लुक एट दिस विद द हेल्प ऑफ वीडियो. ठीक है, इसका एक वीडियो देख लेते हैं. यू कैन सी इन द इमेज. ठीक है, यहाँ पर आपका एयर अंदर जा रहा है. ठीक है, वो विंड पाइप से होते हुए आपके लंग्स तक गया तो आपकी लंग्स फूल गई. देखा, और उसी तरीके से जब एयर बाहर चली जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, लंग्स जो है वापस पिचक जाता है. ओके, व्हेन वी ब्रीद इन थ्रू आर नोज और माउथ, एयर गोज डाउन थ्रू द विंड पाइप एंड रिएक्ट एंड रीचेज द लंग्स. ठीक है, जब हम सांस लेते हैं अपने नाक या मुंह के थ्रू तो क्या होता है, एयर जो होती है, जो हवा होती है, वो क्या करती है, वो विंड पाइप से होते हुए, यहाँ पर आपका विंड पाइप है. ओके, यहाँ पर आपका क्या है, विंड पाइप है, वो क्या करता है, विंड पाइप से होते हुए हवा जो है वो नीचे लंग्स की तरफ चली जाती है. ओके, हियर इज योर लंग्स. द एयर फिल्स द लंग्स विथ ऑक्सीजन. अब जो हवा हम लेते हैं वो क्या होता है, वो लंग्स में जाता है, ऑक्सीजन से फिल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, वी नो डैट, तो हमारा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन से भर जाता है. एंड सो द चेस्ट मूव्स आउटवर्ड्स. ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारा चेस्ट जो होता है वो बाहर की ओर फूल जाता है. व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द लंग्स. ठीक है, वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे विंड पाइप से होते हुए नोज के थ्रू वापस बाहर फेंक देता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, चेस्ट जो होता है अंदर की ओर सिकुड़ जाता है. अंडरस्टूड. जब हम इनहेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन. ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या एक्सहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, लंग्स उसे फिल्टर कर देता है एयर को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी सांस होती है, जो गंदी हवा होती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर छोड़ देता है. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो. इफ यू लाइक इट, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, इफ यू फाइंड इट वेरी यूजफुल, इजी टू अंडरस्टैंड, देन हिट द लाइक बटन. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, टू स्टे अलाइव वेरियस मटीरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट हैव टू बी कैरिड और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी में हमें जीने के लिए जो हमारा खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है, या जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, या जो भी वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है डिफरेंट पार्ट में. ठीक है, अदरवाइज वो एक जगह स्टक हो जाएगा तो उस बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, दिस ट्रांसपोर्टेशन इज डन इन आर बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारे बॉडी में किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारे ब्लड आता है, यानी हम जो जिसे हम खून कहते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होते हैं. ओके, हियर यू कैन सी इन द इमेज द रेड वन, द रेड पाइप, द रेड ट्यूब और रेड पाइप इज योर ब्लड. ओके, द ब्लू वन इज ब्लड वेसल्स, सॉरी, द ब्लू वन इज ब्लड वेसल्स. ओके, दिस इज रेड. ओके, एंड दिस इज ब्लू ट्यूब. ओके, एंड आर हार्ट. ओके, अंडरस्टूड.
दे टुगेदर कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी. ये क्या करते हैं, बॉडी में ब्लड के फ्लो को, मीन्स जो खून एक जगह से दूसरे जगह पूरे बॉडी में हमारे खून चलता रहता है, ओके, वो ट्रैवल करता रहता है, तो उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है, ओके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन. इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है. ब्लड सर्कुलेट करता रहता है इसलिए इसका नाम सर्कुलेशन है, एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अंडरस्टूड? सो द फर्स्ट वन इज ब्लड, ओके. ब्लड इज अ रेड लिक्विड दैट फ्लोज अराउंड द बॉडी इन ब्लड वेसल, ठीक है. ब्लड क्या है, वो हमारे बॉडी में चलता रहता है, फ्लो करता रहता है, ठीक है. किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर. इट इज अ मीडियम थ्रू विच डिफरेंट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी. तो बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है जो कि जो डाइजेस्टेड फूड हो गया या डाइजेस्टेड फूड से मिले हुए न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, फूड से मिले हुए न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या और भी जो भी चीज़ें वेस्ट हो गए, ठीक है, कचरा भी हो गया हमारा, तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स. ब्लड फ्लोज अक्रॉस द बॉडी इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है. जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत पतली पतली ट्यूब्स टाइप की होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है, और उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, ओके. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तीन तरीके के ब्लड वेसल्स हैं, ओके, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओके. इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज आर्टरीज. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ओके. दिस ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, ठीक है. आर्टरीज का जो आपका नर्व्स है ये रेड वाला, ठीक है, आर्टरीज, ये क्या है, ये एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, हार्ट से दूर रखता है. क्यों हार्ट से दूर रखता है ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक है. तो ये क्या करता है कि हार्ट से थोड़ा सा निकाल करके ये पूरे बॉडी में जो प्योर ब्लड होता है, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन होता है, जिसमें आपके डाइजेस्टेड फूड से मिले हुए, जो आपके खाने से जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है, तभी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट इज वेन्स. वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स. वेन्स क्या है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, ओके. दिस वन इज वेन्स दैट कैरी इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट बैक टू हार्ट. अब ये वेन्स क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड को, ठीक है, खराब गंदे ब्लड को जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी जो वेस्ट होते हैं, उनको हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है. अब आप ये सोचोगे कि गंदा ब्लड हार्ट तक क्यों जाता है, उसे तो हार्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है. सो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ये है कि योर हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चेंबर्स. जो हमारा हार्ट होता है वो फोर चेंबर्स में डिवाइडेड है, ठीक है. चेंबर मतलब आप फोर पार्ट्स कह लो, फोर पार्ट्स में हमारा हार्ट जो होता है, जो हमारा दिल है, वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये डिवीजन जो होता है ये अपना अपना एक काम करता है, ठीक है. द डिवीजन प्रोटेक्ट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ पुअर ब्लड. अब ये चार जो सपोज इस तरीके से हमारा हार्ट चार पार्ट में है, तो एक पार्ट में हमारा इम्प्योर प्योर ब्लड होता है, एक पार्ट में प्योर ब्लड होता है. इससे क्या होता है, इससे ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं, ठीक है. अब मिक्स नहीं होती हैं तो क्या होता है, इसका जो हमारा एक चैम्बर है वो क्या करता है, वो हमारा उस ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है. क्या करता है, लंग्स तक पहुंचा देता है और फिर उसको प्योर करके प्योर फॉर्म में वापस दे देता है, ठीक है. ये एक प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है. ये क्या करता है, हार्ट जो इम्प्योर ब्लड से निकला हुआ जो चीज़ें होती हैं, जो एयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, उन सबको ये हार्ट जो होता है वो प्योर कर देता है, ठीक है. जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर को प्योर करने का काम, तो ऑक्सीजन लंग्स कर देता है, ठीक है. जस्ट लेट मी राइट इट हियर. जो आपका एयर होता है
वो भेज दिया जाता है लंग्स में, ठीक है, और जो वेस्ट होता है उसको क्या करता है, हार्ट जो होता है प्योर कर देता है, और एयर को प्योर करने का काम लंग्स कर देता है, ठीक है। हार्ट से होते हुए वापस से आपका जो एयर आता है वो वापस आ जाता है और प्योर फॉर्म में आकर के फिर आपके बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, हार्ट जो होता है, हार्ट एंड लंग्स मिल करके जो गंदे ब्लड है उनको प्योर करता है, जो गंदी हवा है उसको प्योर करता है और फिर हमारे बॉडी में पहुंचा देता है, ठीक है। क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो हवा प्योर हो, ओके, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी होती है, जो हम खा रहे हो तो उसमें से भी कुछ ना कुछ वेस्ट हमारी बॉडी में बन जाता है। सो उसको प्योर करने का काम करता है कौन, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। हार्ट एंड लंग्स जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को प्योर करने का काम करता है और फिर हमारी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। तो इसीलिए सर्कुलेशन ज़रूरी है, अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कोई गंदा चीज़ जो है, कोई गंदा जो वेस्ट मटेरियल है, जो गंदी हवा है, वो एक जगह स्टक हो जाएगी, अब चिपक जाएगी वो एक जगह, तो फिर वो तो गंदी ही होती रहेगी ना, ठीक है। तो वो उस बॉडी ऑर्गन के लिए सही नहीं होगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द थिंग्स टू ट्रैवल, ओके, चीज़ों का सर्कुलेट होते रहना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कैपिलरीज, कैपिलरीज आर नैरो एंड थिन ब्लड वेसल्स, ओके, दिस वन इज कैपिलरी, ये क्या है, थिन ब्लड वेसल्स है, बहुत ही पतले वेसल्स हैं, दे हैव वेरी थिन वॉल्स, इनके वॉल्स जो होते बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है। आपने वेंस एंड आर्टरीज में देखा कि इनके ब्लड वेसल्स थोड़े से पतले हैं, बट कैपिलरीज के जो होते हैं ब्लड वेसल्स वो बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल कैन पास थ्रू देयर वॉल्स, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ इस यहीं से इसी कैपिलरी से सब कुछ पास होता है, ठीक है, इसी वॉल के थ्रू सब कुछ पास होता है, कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, इधर से इधर आता है, ठीक है। तो ये जो काम होता है ये कैपिलरीज का होता है, ओके, यहाँ से होते हुए सभी चीज़ें हमारे बॉडी से जाती हैं और यहाँ से होते हुए जाती हैं, ठीक है, अलग अलग चैम्बर्स में पहुँचा दिया जाता है। कैपिलरीज क्या करता है, अलग अलग चैम्बर्स में पहुँचा देता है, ठीक है, गंदे वाले को इस चैम्बर में, साफ वाले को इस चैम्बर में, फिर प्योर होकर के जो आता है वो सब कुछ कैपिलरीज का काम होता है, ओके, अंडरस्टूड। So this was the process of circulatory system. In today's chapter, we have studied about what? About respiratory system, about nervous system, and about circulatory system. Okay? So I hope you understood the video, and if you find it useful, please share it with your friends. Okay? And have a nice day. See you in the next chapter.